हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ली है एक शकरकंद जिसको अच्छे से धो लिया है और इसको छीलकर ग्रेट कर लेंगे। ये ब्रेकफास्ट बनाना इतना ईजी है कि यहाँ स्वीट पोटैटो को उबालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हैं आप इसमें डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर छोटी सी गाजर, मटर, एक प्याज और दो हरी मिर्च बारीक चॉप करके इसमें डाल दी है और थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा सूखा धनिया, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, ओरेगेनो, गरम मसाला, चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से इनको मिला लेंगे। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक बार आप भी ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे और अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच कॉर्न स्टार्च का डालेंगे। अगर कॉर्न स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें आटा, मैदा या बेसन भी डाल सकते हैं। और ये डालकर अच्छे से इसका एक डो तैयार कर लेना है जो ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो। जब डो तैयार हो जाता है तो इसके बाद इस पे थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। स्वीट पोटैटो बहुत ही हेल्दी होता है। बहुत से लोगों को मीठा खाना या फिर हलवा या इसको सेक कर खाना पसंद नहीं होता है, तो उनके लिए ये स्पाइसी ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। जिस भी शेप में आप बनाना चाहें उस शेप में बना सकते हैं, जैसे राउंड, ट्रायंगल, स्क्वायर। मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा। तो जो मेरे पास डो तैयार हुआ था उसमें लगभग 15 के करीब ये पीस तैयार हुए थे। तेल गरम हो चुका है तो इनको हम मीडियम हॉट ऑयल में ही फ्राई करेंगे। अगर इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से नहीं सिक पाएंगे। और इनको 2 से 3 बार हम पलटते हुए अच्छे से सेक लेंगे। तेल में डालने के बाद इनको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर एक साइड से सेक लेंगे। उसके बाद एक एक करके पलटते हुए 2 से 3 बार पलटेंगे और सेक लेंगे अच्छे से। और जब इनका कलर डार्क ब्राउन होने लगे तो हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 5-6 मिनट में ये लगभग अच्छे से तैयार हो जाएंगे। झटपट से बनने वाला ये नाश्ता स्वीट पोटैटो का आप भी जरूर ट्राई करें। बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बनाने में भी बहुत आसान है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।